सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष बीरेंद्र ठाकुर, उपाध्यक्ष अंकुश गुप्ता, महामंत्री अनिल शर्मा आदि नेताओं ने सुजानपुर विधायक पर तीखा हमला बोलते हुए जमकर लताड़ लगाई है। भाजपा पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में विधायक निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं, जो अशोभनीय हरकत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जिन कार्यकर्ताओं को भाजपा पार्टी की कार्यकर्ता बताकर अपनी पार्टी में शामिल किया है, वे सभी कार्यकर्ता पहले से ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन वाहवाही लूटने के चक्कर में विधायक राणा बार बार अपने ही कार्यकर्ताओं को भाजपा का बताकर कांग्रेस में शामिल कर रहे हैं। चंडीगढ़ पंजाब की राजनीति को हिमाचल में चलाकर वे क्या दिखाना चाहते हैं, जबकि प्रदेश की भोली वाली जनता सब कुछ जानती है। उन्होंने खुले मंच से विधायक राजेंद्र राणा को बहस की चुनौती देते हुए कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को वे भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता बता रहे हैं, इसका अगर कोई उनके पास प्रमाण है तो वे सार्वजनिक करें, नहीं तो झूठ की राजनीति से संन्यास ले लें। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायती राज ग्रामीण मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आने वाले पंचायती राज चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होंगे, जिसका वे पूरी तरह समर्थन करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के आशीर्वाद से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचायती राज चुनावों में भगवा बुलंद होगा। उनका पूरे दुनिया में उनका डंका बज रहा है, अभी उसी का नतीजा चेन्नई से पीछे हट रही है, और ये शायद लगता है हमारे इतिहास में पहली बार हुआ है। चाइना से जो पहले उनका वर्चस्व हुआ करता था, वहाँ जब पीछे हटने में मजबूर हुए हैं, ये सब मोदी जी का डंका है और ये पूरी दुनिया में बज रहा है, और हमें गर्व है, हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर कांग्रेस में गए तो प्रूव करें कौन सा कार्यकर्ता, एक नाम बता दें भी ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का था और कांग्रेस में गया है। आज कांग्रेस पार्टी में लोग जाए भी, आज इतने बड़े बड़े विधायक माधवराव सिंधे जैसे लोग जो देश की राजनीति करते हैं, वो कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, तो यहाँ के बच्चे बहुत समझदार हैं, वो एक बार गुमराह हो चुके हैं, बार बार गुमराह नहीं होंगे। तो मेरे स्थानीय विधायक जिंदर राणा जी एक ही निवेदन है, कृपया इतनी छोटी राजनीति मत करो। कभी आप संस्था के नाम पर राजनीति करते हो और सब कुछ भूल गए हैं। कभी गरीब कन्याओं की शादी पे आपने राजनीति शुरू की थी, आज जो सब कुछ आपने जो आपका मकसद है उस पर आप कामयाब हुए, आगे बार बार आप ये काट कंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। मेरे एक ही निवेदन है आपसे, अपनी अपनी राजनीति करो, स्वच्छ राजनीति करो, कि पंजाब की जो चंडीगढ़ की राजनीति वो बंद करो, यहाँ के लोग आपको कबूल नहीं करते हैं और ना ही आगे करेंगे। मेरे इतना ही कहना था। मैं तो आज स्थानीय विधायक रजिंदर राणा जी से आज उसी 2017 के जो चुनावों में उन्होंने जो वायदे जनता के साथ किए थे और जिन वायदों के साथ वो विधायक चुने गए, लोगों को भ्रम में डाल के, लोगों को झूठ बोल के, कि राजेंद्र राणा किसी भी परिस्थिति में इस सुजानपुर विधानसभा का विकास करवाने में सक्षम है। मैं पूछना चाहूंगा कि राणा जी, आप चर्चाओं में और दोषारोपण में अपना समय व्यर्थ ना करें, और जो 2017 में लोगों को झूठ बोलकर जो आपने वोट प्राप्त किए, और आज 2.5 साल के अंदर आप सुजानपुर विधानसभा में एक भी